नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर पी ऑफिशियल में दोस्तों जैसा कि आपको पता है आर द्वारा आयोजित है सही परीक्षा 2021 के सभी पेपरों की ऑफिशियल उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है दोस्तों कोचिंग संस्थानों द्वारा बताई गई की और विभाग द्वारा जारी की गई अनुस्वर की में काफ़ी प्रश्नों का अंतर रहता है इसलिए आज हम जो आर द्वारा आयोजित दिनांक तेरह सितम्बर को वे सेकेंड पेपर अर्थात जिक्के के पेपर को ऑफिशियल की के साथ हल करेंगे तो दोस्तों आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से पहला प्रश्न है कि मुँह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य नहीं है या नहीं है का उत्तर बताना है दोस्तों जो वाद्य यंत्र है वो चार प्रकार के होते हैं तत्ववाद्य सुशीरवाद्य अवनुद या तालवाद्य और घनवाद्य तत्ववाद जिनको तारों की सहायता से बजाया जाता है जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं उनको शुशीरवाद्य कहते हैं जो वाद्य चमड़े की खाल द्वारा मंडे जाते हैं और उनको पीट कर बजाया जाता है उनको अवनद या तालवाद्य कहते हैं और जो वाद्य धातु के बने होते हैं अर्थात उनको आपस में बजाया जाता है उनको घनवाद्य कहते हैं तो दोस्तों जो है मुँह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य अर्थात शुशीरवाद के बारे में बताना है तो दोस्तों बांसुरी, अलगोद्जा शहनाई मशक बांकिया बुंगल ये सभी शुशीरवाद के अंतर आते हैं तो वहाँ अलगोद्जा मुँह से बजाया जाता है मशक भी मुँह से बजाई जाती है सतारा दोस्तों बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ है सतारा का और ये काफ़ी बार रिपीटेड पर्सन है राजस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में इस प्रश्न का इस प्रश्न को पूछा जाता है जो सत्तारा है वो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है यह मुंह के द्वारा बजाया जाता है हम जल्दबाजी में क्या कर लेते हैं सतारे को तार मान कर की श्रेणी में रख देते हैं जो कि गलत है इसलिए जो रवाज है ये रवाज है वो दोस्तों एक प्रकार का तत्ववाद्य है तारों की सहायता से बजाया जाता है इसलिए इसका उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार उत्तर प्रश्न नंबर दो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी फर्स्ट ऑप्शन है जी डी बिड़ला जमनालाल बजाज लाला लाजपत लाला शंकरलाल वी एल मेहता तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा जी डी बिड़ला तीसरा भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के राज्यों में स्थिति से मिलान कीजिए मिलान करना है अपने को तो पहला है कार्बेट कार्बेट अपने को पता है जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है उत्तराखंड के अंदर दूसरा है कान्हा तो अपने को पता है कि कान्हा और पन्ना ये नेशनल पार्क कहाँ है एमपी के अंदर गिर गिर जो ए सिंह के लिए प्रसिद्ध हैं और गिर कहाँ पड़ता है गुजरात का गिरवन और बांदीपुर बनेर घट्टा ये जो नेशनल पार्क है वह है कर्नाटक के अंदर तो अपन देख लो एक का बी तो एक का बी है वो खाली ऑप्शन नंबर दो में ही है दो का ए तीन का डी और चार का सी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो चौथा प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है तो सर्वाधिक जूट का उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे महात्मा गांधी का संबंध है वो किससे नहीं था हिंद स्वराज यंग इंडिया इंडियन ओपिनियन या युगंतर दोस्तों जो हिंद स्वराज है इसका अन्य नाम है इंडियन होम रूल ये एक महात्मा गांधी की किताब का नाम था इस इसका संबंध महात्मा गांधी जी से है दूसरा यंग इंडिया यंग इंडिया एक पत्रिका थी जो साप्ताहिक पत्रिका थी और अंग्रेजी भाषा में निकलती थी ये भी महात्मा गांधी से संबंधित है इंडियन ओपिनियन एक समाचार पत्र का नाम है जिसका संबंध महात्मा गांधी जी से है युगांतर दोस्तों स्वतंत्रता कार्यों को इकट्ठा करने के लिए एक संगठन का नाम था जो कि बंगाल में सक्रिय था इसका संबंध महात्मा गांधी से नहीं है तो इसका राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर चार भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी कोटनोपोलिस के रूप में प्रसिद्ध है राजकोट सूरत नागपुर मुंबई तो सूती वस्त्रों का जो शहर है वो तो है सूरत यहाँ पर क्या है सु... सूती कपड़ों की राजधानी सूती कपड़ों की राजधानी के लिए मुंबई को जाना जाता है सातवा प्रश्न निम्नलिखित तो भारत के रेलवे जोन और उनके मुख्यालयों का मिलान कीजिए तो अपने को रेलवे जोन के बारे में बताना है दोस्तों अपने को ये पता है कि उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन है वो कहाँ पड़ता है जयपुर के अंदर बाकी से पूछा है दक्षिणी मध्य पूर्वी मुंबई चेन्नई कोलकाता जयपुर तो उत्तरी पश्चिमी जयपुर के अंदर है तो अपने को ये पता चल गया तीन का ऑप्शन है डी तो तीन में खाली चार नंबर ही है ठीक है और बाकी की चर्चा करते हैं तो मध्य कहाँ आ जाएगा मध्य आ जाएगा मुंबई के अंदर सॉरी दक्षिणी आ जाएगा से ठीक ठे... है दोस्तों तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार दक्षिणी आ जाएगा चेन्नई के अंदर मध्य आ जाएगा मुंबई के अंदर उत्तरी पश्चिम आ जाएगा जयपुर के अंदर पूर्वी आ जाएगा कोलकाता के अंदर आठवां प्रश्न राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कोटा सांबर साल्ट लिमिटेड सांबर मार्डन बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड श्री गंगानगर मतलब इसमें बताना है कि भारत सरकार का उपक्रम नहीं है तो ऑप्शन नंबर चार श्री गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड श्री गंगानगर निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है पांचना सोम सोमकम्बा कमला अम्बा परियोजना जवाई परियोजना सिद्धमुख परियोजना तो अपने को पता है कि पांचना जो है वो करौली जिले की है ज़वाई है, वो मारवाड से संबंधित है पाली और जोधपुर से और है, वो हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है तो यहाँ डूंगरपुर जिले से सोम कमला अंबा इसका संबंध डूंगरपुर और उदयपुर दो जिलों से राजस्थान के तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो दसवां प्रश्न भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है तमिलनाडु राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान पर्वतों और उनकी स्थिति वाले देशों का मिलान करना है अपने को तो पिनाइ पिनाइन पर्वत है वो इंग्लैंड के अंदर है ये बिल्कुल सही है दक्षिण आल्पस पर्वत है वो न्यूजीलैंड के अंदर है ये भी बिल्कुल सही है लेकिन जो अपलेशन पर्वत है वो उत्तरी अमेरिका और कनाडा के अंदर स्थित है ब्राजील के अंदर नहीं है मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी तो बिल्कुल सही है तो इसमें जो सुमेलित युगम है ए और बी दो ऑप्शन नंबर दो के अंदर हो गया बारवा प्रश्न है निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है तो यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एल्ब्रस तेरवा प्रश्न है अंध महासागर को प्रशांत महासागर से लाल सागर को काला सागर से भूमध्य सागर से काला सागर को भूमध्य सागर से लाल सागर को देखो बहुत ही कंफ्यूज करने वाला प्रश्न इन्हें इसने कितने सेम ऑप्शनों को दिया है तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार भूमध्य सागर से लाल सागर को चौदवा प्रश्न है मिलान करना है राजस्थान के खनिज संसाधनों तथा उनके उत्पादक स्थलों का मिलान कीजिए टंगस्टन मैगनीज तांबा और सीसा दस्ता ये एक ऐसा प्रश्न है जो राजस्थान के हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और घुमा फिरा के जो इसी से संबंधित है वो हर बार पूछा जाता है रिपीटेड प्रश्न है काफ़ी तो टंगस्टन तो ये तो टंगस्टन का तो अपने को पता होना चाहिए कि जो टंगस्टन है वो डेगाना मतलब भारत के अंदर एकमात्र जो टंगस्टन की खान है वो नागौर जिले के गांव की तो पहाड़ी है तो तो डेगाना हो गया और मैगनीज मैगनीज हो जाएगा नरडिया काला नरडिया घुमान काला कुंटा कासला तिम्यातोरी ये सभी मैगनीज उत्पादक क्षेत्र है तांबा तांबा राजस्थान में खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र खोदरीबा अलवर बिद्यासर इनसे निकलता है और सीसा सस्ता जावरमला रामपुरंगुच्चा चौथ का बरवाड़ा माधोपुर से निकलता है तो एक का बी एक का बी खाली एक के ऑप्शन के अंदर है दो का ए और तीन का डी और चार का सी पंद्रवा प्रश्न है विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया रियो डी जनेरिया टोक्यो जोहान लंदन इस प्रश्न को जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा है वो रियो डी करके आया है लेकिन इसका राइट उत्तर क्या होगा जोहस वर्ग दक्षिण अफ्रीका रियो डी में पृथ्वी सम्मेलन जो सुरा प्रथम हुआ था उन्नीस सौ के अंदर वो संपन्न हुआ था 2002 का पृथ्वी सम्मेलन जोह स्वर्ग दक्षिण अफ्रीका के अंदर संपन्न हुआ था पंद्रहवा प्रश्न है कुंबलगढ़ और सॉरी सोलह प्रश्न है कुंबलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार है मेसा का पठार बुराट का पठार उड़िया का पठार छप्पन का पठार तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच जो पठार है उसको बोलते हैं बुराट का पठार मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है चित्तौड़गढ़ का किला मेसा पठार पर स्थित है उड़िया का पठार राजस्थान का का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है जो माउंट आबू सिरोई में है और छप्पन छप्पन की जो पहाड़ियाँ हैं वो माही नदी के बाहू क्षेत्र को प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर छप्पन के नाम से जाना जाता है तो ये उत्तर होगा नहीं उत्तर होगा इसका दो नंबर सत्रवा प्रश्न है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्धसूषक अथवा स्टेपी जलवायु के अंतर्गत आता है देखिए इसने अर्धसूषक दे दिया अगर नहीं देता स्टेपी जलवायु पूछता तो इसका मतलब स्टेपी जलवायु का अर्धसूषक ही होता है तो राजस्थान की जो जलवायु है वो शुष्क शुष्क उपाद्र आद्र और तियाद्र इन पांच प्रकार की जलवायु राजस्थान के अंदर पाई जाती है शुष्क के अंदर जो गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर चूरू वाला क्षेत्र आता है प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ कोटा बूंदी बारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है ये तियाद्र वाला है उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा ये वाला है और उपाद्र वाला जो प्रदेश है वो जयपुर अजमेर जो ये जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र उपाध्र केन्द्र का के आता है तो यहाँ पर अर्ध शुष्क कौन सा हो जाएगा जालोर पाली जोधपुर नागौर सिक्कर झुंझुनू यहाँ पर आपको विशेष तौर पर झुंझुनू का ध्यान रखना है कई बार एग्जाम के अंदर सीधा ही पूछ लेता है कि झुंझुनू जिले की जलवायु पर झुंझुनू ज़िला किस जलवायु प्रदेश के अंदर आता है और ऑप्शन वहाँ पर आपको अर्धशुष्क भी मिलता है और शुष्क भी मिलता है वहाँ पर अपने को अर्धशुष्क रखे आना है प्रश्न नंबर 18 भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया 26 अगस्त 1947 29 अगस्त 1947 22 नवंबर 1947 9 जुलाई 1946 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर बी अंबेडकर 19वां प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के परिवर्तन का अधिकार देता है अनुच्छेद तो 32, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद दो तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यह लिखा गया है कि जो राज्यों के उच्च न्यायालयों के मूल अधिकार के परिवर्तन का अधिकार देता है और जो हाईकोर्ट है आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का पूछा जाता तो अनुच्छेद बत्तीस सही होता आगे बीसवा प्रश्न नागोया औद्योगिक प्रदेश है जापान का चीन का दक्षिण कोरिया का मलेशिया का तो नोगाया औद्योगिक उद्योग, प्रदेश जापान का है प्रश्न नंबर इक्कीस किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के पंद्रह परसेंट तक सीमित कर दी गई बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और काफी बार पूछा भी गया है तिरानवा संविधान संशोधन दो हजार तीन नवासीवां दो हजार एक इक्यानवा संशोधन दो हजार तीन इक्यानवा संशोधन दो हज़ार दो तो इसका जो राइट होगा उत्तर वो होगा ऑप्शन नंबर तीन इक्यानवा संविधान संशोधन दो हज़ार तीन उन्नीस बाईसवा प्रश्न है उन्नीस सौ पैंतीस के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है मतलब उन्नीस सौ पैंतीस का भारत शासन अधिनियम की विशेषता नहीं है पूछा है केंद्र में द्वेध शासन एक अखिल भारतीय संघ प्रांतों में स्वायत्तता प्रांतों में द्वेध शासन की शुरुआत ये भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित प्रश्न है 1935 की जो विशेषता वो ये नहीं है कि प्रांतों में द्वेद शासन की शुरुआत प्रांतों में द्वेद शासन की शुरुआत है जो भारत शासन अधिनियम उन्नीस में पूछा गया था उन्नीस अधिनियम की विशेषता है केंद्र में द्वेद शासन उन्नीस सौ पैंतीस के द्वेद शासन को समाप्त किया गया था और केंद्र में द्वेध शासन को शुरू किया गया था अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये आपको दो ऑप्शन में जरूर कन्फ्यूजन करेगा आर्टिकल 170, आर्टिकल एक थर, आर्टिकल एक थर, आर्टिकल एक आर्टिकल 170 और आर्टिकल एक इन दोनों ऑप्शनों में ये कन्फ्यूज करने वाला प्रश्न है तो इसका जो राइट उत्तर होगा आर्टिकल एक आर्टिकल एक में यह व्यवस्था की गई है कि विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है विधान परिषद की संरचना अर्थात आर्टिकल एक सौ इकहत्तर के अनुसार विधान परिषद के पाँच बट्टे छः सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं और एक बट्टे छः सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं निर्वाचन सदस्यों में एक बट्टे बारह सदस्य छात्रों द्वारा निर्वाचित किए किए जाते हैं और एक बट्टे बारह अध्यापकों द्वारा एक बट्टे छः स्थानीय निकायों द्वारा और एक बट्टे छः इसके विधानसभा अध्यक्षों द्वारा सॉरी विधानसभा सदस्यों द्वारा अगला प्रश्न है चौबीसवा सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए यह प्रश्न राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है जिनका उल्लेख भाग चार में छत्तीस इक्यावन तक किया गया है तो ग्राम पंचायत का गठन ना समान नागरिक संहिता कृषि और पशुपालन न्यायपालिका का कार्यपालिका से प्रथकण तो ग्राम पंचायत का जो गठन है वो आर्टिकल 40 के अंदर किया गया है समान नागरिक संहिता आर्टिकल चालीस कृषि और पशुपालन आर्टिकल 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग आर्टिकल 50। इसमें दोस्तों एक बार ध्यान रखना एक बार आरपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत पशुपालन वध निषेध किया गया है तो उसका राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर जो यहां पर अनुच्छेद 48 है तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 मतलब पहले का तीन पहले का तीन खाली एक में ही है पच्चीसवा प्रश्न है निम्नाकित में से किस राज्य में अनुच्छेद सबसे अधिक बार लागू किया गया अनुच्छेद तीन सौ छप्पन का संबंध है कि राज्यपाल की आदेश राज्यपाल के आदेश के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू करना राज्य के अंदर तो पहले 2021 से पहले मणिपुर था उसमें नौ बार लागू किया गया था लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सर्वाधिक लागू कर दिया गया है बिहार पंजाब में तो है ही नहीं छब्बीसवा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है मानवाधिकार संरक्षण एक्ट उन्नीस सौ इक्यानवे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम उन्नीस सौ बानवे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम उन्नीस सौ तिरानवे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम उन्नीस सौ तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन है वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम उन्नीस सौ तिरानवे के तहत किया गया है अच्छा प्रश्न है काफ़ी सत्ताईसवां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है मतलब मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष राजस्थान का लोकायुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान का महाधिवक्ता बहुत ही शानदार प्रश्न है तो इसमें बताना है कि केवल तो के ए सही है केवल ए और बी ए बी और सी या चारों ही सही है लग तो चारों है लेकिन चारों नहीं है दोस्तों इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा उत्तर नंबर बी मतलब ए और बी राजस्थान राज्य मानवाधिकारों आयोग का अध्यक्ष राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है राजस्थान का लोकायुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है और शपथ भी राज्यपाल दिलाता है राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त शपथ नहीं लेता है राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली भरा जाता है मतलब राज्यपाल है उस पद के ऊपर सदस्य को चुनता है और राज्य का राजस्थान का महाधिवक्ता महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है पर शपथ राज्यपाल नहीं दिलाता है अट्ठाईसवा प्रश्न है किस भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है तीन अनुच्छेद आपको ध्यान रखने होते हैं आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 और आर्टिकल इक्यासी आर्टिकल 79 में यह कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी आर्टिकल 80 में कहा गया है कि एक राज्यसभा होगी आर्टिकल इक्यासी में कहा गया है कि एक लोकसभा होगी तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक उन्तीसवा प्रश्न बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न है और इस प्रश्न की उम्मीद है कि आगे भी ये भविष्य के एग्जाम के अंदर रिपीटेड होगा राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अवलंबनीय मामलों में निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है मतलब अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो वहाँ पर अध्यक्ष के काम कौन कर सकता है उपाध्यक्ष कर सकता है संसदीय कार्य मंत्री कर सकता है संसदीय सचिव कर सकता है विधानसभा का सचिव संसदीय गया विधानसभा की बात हो रही हो रही है संसद की बात कर तो ऑप्शन नंबर दो तो अपने को काट ही देना है संसदीय सचिव भी काट देना है अब यहाँ पर दो में कन्फ्यूज होने वाला है कि उपाध्यक्ष करता है विधानसभा का सचिव करता है तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा के कार्य करता है विधानसभा का सचिव और वर्तमान में राजस्थान विधानसभा का सचिव कौन है परमिल कुमार माथुर और विधानसभा पद के उपराध्यक्ष कौन है डॉक्टर सीपी जोशी और एक बात ध्यान रख लिया कि राजस्थान के अंदर पंद्रवी विधानसभा है और भारत के अंदर सत्रहवीं लोकसभा में चल रही है तीसवा प्रश्न है राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय के न्याय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा है राजेश पालिया प्रकाश टाटिया एन एन माथुर नगेंद्र कुमार जैन तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा एन एन माथुर इकतीसवा प्रश्न है निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं एन के बेरवा यतेंद्र सिंह डिडी चौहान देवेंद्र सिंह एन के बेरवा आजकल आर्टिकल से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं लोक सेवा आयोग इनके सदस्यों के अध्यक्ष के पद पर कौन रहा है कौन नहीं रहा है इन प्रश्नों का ज्यादा क्रेज चल रहा है नेक्स्ट प्रश्न निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे जस्टिस एन के जैन जस्टिस प्रकाश टांटिया जस्टिस जगत सिंह जस्टिस एस संगीत संगीत अहमद तो दोस्तों तीन प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन अध्यक्ष के पद पर रहा है कौन नहीं रहा कौन सचिव भी रहा है तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन जस्टिस जगत सिंह जगत सिंह का संबंध राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर अध्यक्ष से नहीं है और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया जाता है राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया जाता है जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रह चुके हो और इसका कार्यकाल पहले छह वर्ष पहले सॉरी पाँच और सत्तर वर्ष था और वर्तमान के अंदर तीन वर्ष और सत्तर वर्ष कर दिया गया है अगला वर्ष ने निम्नाकित में से किस मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने के पश्चात बरकुतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया मतलब इसने पूछा है कि बरकुतुल्ला खान से पहले राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था टिक्का पालीवाल मोहनलाल सुखाड़िया शिवशरण माथुर और देव जोशी मोहनलाल सुखाड़िया बरकुतुल्ला खान से पहले मुख्यमंत्री थे उन्होंने त्याग पत्र दिया इसके बाद में बरकुतुल्ला खान राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए और बरकुतुल्ला खान के बाद केंद्र राजस्थान के हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बने थे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है दोहरी गणना त्रुटिपूर्ण अभिलेख व्यक्तियों की आय में अंतर बहिष्करण और समावेश की समस्या तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा व्यक्तियों की आय में अंतर बाकी तीन समस्या है व्यक्तियों के आय में अंतर यह समस्या नहीं है पैंतीसवा प्रश्न निम्न निम्नलिखित में से कौन सा एक साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण कौन सा बताना है बैंक दर रेपो दर खुले बाजार की क्रियाएं मार्जिन आवश्यकता इसका उत्तर हो जाएगा मार्जिन आवश्यकता प्रश्न मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक कितना है 0.488, 0.642, 0.688, 0.820 तो इसका राइट आंसर है है जीरो पॉइंट एट टू जीरो निम्न में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है आर्थिक असमानता सामाजिक समावेश बेरोजगारी आर्थिक असमानता बिल्कुल है बेरोजगारी भी है गरीबी का कारण ऋणग्रस्तता भी है सामाजिक समावेश समाज में मिलजुल कर काम करना यह कोई गरीबी का कारण नहीं है ऑप्शन नंबर हो जाएगा दो अड़तीसवां प्रश्न सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम बी राजस्थान के किन चार सीमावर्ती जिलों के सोलह ब्लॉक में कार्यान्वित किया गया है झालावाड़ बारा सोईमाधोपुर करौली धौलपुर भरतपुर अलवर धुंधुनू बाडमेर बीकानेर गंगानगर जैसलमेर बांसवाड़ा डूंगरपुर बाडमेर जैसलमेर तो इसमें से तुमने बताना है सीमावर्ती मतलब जो पाकिस्तान के सीमावर्ती जिले कौन से हैं वही तो बताना है बाडमेर बीकानेर गंगानगर और जैसलमेर अब इसमें एक बात अपने को और ध्यान रखनी है इसमें कई बार यह पूछा जाता है कि सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम बी कितने ब्लॉक में कार्यान्वित है तो अपने को ध्यान रखना है सोलह ब्लॉक के अंदर थर्टी नाइन का निम्न में से कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण आर्थिक स्थिरता सरल घरेलू उत्पाद में वृद्धि घाटे का बजट देखते पता चल घाटे का बजट आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार राज्य के आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार वृद्धि दर स्थिर कीमतों 2011 हज़ार पर वर्ष 2021 में 4.11% परसेंट है गलत है दोस्तों सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों दो हज़ार पर छत्रवाद योगदान में वर्ष दो हज़ार में सेवाओं का योगदान बयालीस पॉइंट चालीस परसेंट बिल्कुल सही है वर्ष दो हजार उन्नीस बीस में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तीन पॉइंट सेवन सेवन परसेंट रहा है ये भी बिल्कुल सही है सकल राज्य मूल्य में कृषि क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर न्यूनतम रहा है गलत है दोस्तों तो इसमें जो बी और सी दो सही है तो बी और सी कहाँ है खाली तीन के अंदर है राजस्थान में धारा योजना का संबंध है गरीबों के लिए बीमा योजना सिंचाई कुओं का निर्माण ग्रामीण गरीबों के लिए बिजली की उपलब्धता चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता तो इसका है सिंचाई कुओं का निर्माण में का है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत लाभार्थियों को महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है पाँच हजार दस हजार पंद्रह हजार बीस था। हजार तो इसमें कितनी राशि दी जाती है पांच हजार त्रिया सौ प्रश्न लागत प्रेरित कारकों में से कौन सा मुद्रा स्फीति का एक कारण नहीं है तेल कीमतों में वृद्धि करों में वृद्धि घाटे की वित्त व्यवस्था उत्पादन तथा पूर्ति में उच्चावचन तो देखते इसका पता चल रहा है कि घाटे की स्फीति का कारण नहीं है। अगला प्रश्न निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों तो केंद्रित नहीं है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना स्वावलंबन स्कीम अटल पेंशन योजना और दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना तो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना ग्रामीण क्षेत्र की योजना है नेक्स्ट प्रश्न पैंतालीसवां प्रश्न और बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न है दोस्तों राजस्थान की निम्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना को उनकी संबंधित संस्थाओं के साथ सुमेलित कीजिए ये प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है और आर ने भी इसको पूछा है और बहुत रिपीटेड रिप्टेड है और आगे भी पूछा जाएगा तो वानिकी एवं जैविक परियोजना चरण सेकंड दोस्तों जो वानिकी एवं जैविकता परियोजना चरण सेकंड है वो जिक्का के द्वारा चलाई जाती है जिक्का मतलब जापानी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी वानिकी एवं जैविका का नाम आते ही जिक्का करना है तो इसमें देखो पहले का चार पहले का चार खाली एक में ही है पहले में तो राजस्थान राज्य विकास कार्यक्रम ये चलाया जाता है डब्लू और राजस्थान राजमार्ग निवेश कार्यक्रम इसका हो जाएगा ए डी एशियन डेवलपमेंट बैंक और रेगिस्तान क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना एन डी बी दोस्तों इसके अंदर वानिकी एवं जैविकता और जो रेगिस्तान क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना है वो ध्यान में रखनी है और एक इसमें एक और ध्यान रखनी है वो है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना है वो के एफ डब्ल्यू के सहयोग से संचालित है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों राजस्थान की एम सैंड नीति दो का उद्देश्य है राज्य में निर्माण कार्यों में नदियों से प्राप्त बजरी के उपयोग को बढ़ाना नदी बजरी के निर्यात को बढ़ावा देना प्रदेश के माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले अवशिष्ट की समस्या का समाधान करना अन्य राज्यों की नदी बजरी के प्रयोग को रोकना तो ये बजरी बजरी कुछ नहीं है इसके अंदर दोस्तों इसके अंदर होगा प्रदेश के माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले अपशिष्ट की समस्याओं का समाधान करना सैतालीसवा प्रश्न है अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है अवितरित लाभ लाभांश एवं बोनस शेयर निवेश पर ब्याज निवेश पर लाभ इसका राइट उत्तर है उत्तर होगा दो नंबर लावाश एवं अगला प्रश्न आर पी एस ने डिलीट कर दिया गया था इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला था प्रश्न डिलीट कर दिया अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और भविष्य में पूछे जाने की संभावना है नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है नैनो टेक्नोलॉजी का जनक टेस्ला रिचर्ड फेमेन लिनेस पोलिंग ऑर्थरवेनबर्ग तो इसका राइट उत्तर होगा रिचर्ड फेमेन पचासवा डीएनए फिंगरप्रिंट की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों एक जेफ्रे एम सहयोगी जी सिंह एवं सहयोगी ई एम सरदन एवं सहयोगी बी वोल सेव सहयोगी काफी बार रिपीटेड हुआ प्रश्न है इसका उत्तर होगा एलेक् जेफ्रेव सहयोगी भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कब किया गया मतलब योजना आयोग का नाम नीति आयोग कब किया गया एक जनवरी 2014 हज़ार एक जनवरी 2015 हज़ार एक जनवरी 2016 हज़ार एक जनवरी 2017 तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा एक जनवरी 2015 और नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी मतलब नीति आयोग का जो अध्यक्ष कौन होता है प्रधानमंत्री कारसिनोमा संबंध रखता है के उत्तक का असाध्य मेलग्नेट ट्यूमर त्वचा एवं झिल्ली का असाध्य ट्यूमर संयोजिक उत्तक अथवा संयोजी उत्तक का बिनाइन बिनाइन ट्यूमर इनमें से कोई नहीं तो बावनवे का उत्तर हो जाएगा दो नंबर त्वचा तो अच्छा एवं म्यूकस झिल्ली का असाध्य ट्यूमर क्योंटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है संबंधित है यू से डब्ल्यू डी टी ओ से डब्ल्यू एच ओ से यू जी सी से तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर एक यूएनएफसीसी सी सी से चौपनवा प्रश्न राजस्थान के अंदर एन बी पी जी आर का प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थित है एन बी पी जी आर का प्रादेशिक केंद्र है जोधपुर के अंदर स्थित है, है, है. राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग विभाग किस वर्ष स्थापित हुआ? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है। वो जयपुर के अंदर 1983, 1983 सी के अंदर स्थापित हुआ। 15वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा हिमन रक्षी की तरह उपयोग में नहीं है? सुक्रोज, टीएमएसओ गिल्सरोल, सोडियम आयपोकोलाइड। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर चार सोडियम आइपो निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है तो रिमोट कंट्रोल के लिए अपने को ध्यान है कि इन फ्रेड वेव यूज में लेते हैं इन फ्रेड वेव इन फ्रेड वेव का मतलब है अवरक्त तरंगे भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना डिजाइन एवं विनिर्माण भारत में हुआ आर्यभट्ट तो आर्यभट्ट जो भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह उन्नीस सौ पिछहत्तर में प्रक्षेपित हुआ से प्रश्न राजस्थान का राज्य वृक्ष है राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों साठवां प्रश्न एक निब्बल में कितनी बीट होती है तो एक निब्बल में कितनी बीट सोलह बत्तीस चार या आठ तो एक निब्बल के अंदर चार बीट होती है और एक बाइट के अंदर कितनी बीट होती है एक बाइट के अंदर आठ बीट होती है अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का उपयोग करते हैं चमगादड़ अवरक्त अवरक्त तरंगे वेव, अभी पीछे पटके गए वेव कितनी रिमोट कंट्रोल किरणों में रेडियो तरंगे नहीं परासर व्य सूक्ष्म तरंगे परासवियर सूक्ष्म तरंगों में सूत्र हो जाएगा परास तिरंगे मतलब जिनकी जो रेंज बीस किलो से भी ज्यादा होती है राष्ट्रीय बीज या मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय बीज या मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में तबिची अजमेर के अंदर स्थित है रीजनिंग स्टार्ट होगी अभी तो पहला प्रश्न है रीजनिंग का यह मानते हुए कि कथन कथन अपने को मानना है कि हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती है सत्य है मतलब हर पुस्तकालय में पुस्तक होती है निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती है नहीं ये कोई जरूरी नहीं है पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती है कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता है ये ठीक है आगे पढ़ते हैं कुछ पुस्तकालय में पाठक नहीं होते हैं पुस्तकालय केवल पुस्तकों के, के लिए होती है तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर दो अगला प्रश्न है निम्न प्रश्न ये अपने को तीन तरक्के दिए गए हैं और बताना है कथन के आधार पर कौन सा सही है तो यह कथन है क्या देश के सभी विश्वविद्यालयों में एक स्नातक पाठ्यक्रमों में सभी विषयों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए मतलब बी ए बी एस सी बी कॉम पाठ्यक्रम एक होना चाहिए हाँ यह देश के शिक्षा तंत्र में एक रूपता लाने का एकमात्र तरीका है दोस्तों जहाँ भी एकमात्र केवल ऐसे शब्द आ जाए तो वो ऑप्शन अपने सही नहीं होते हैं तो ये ऑप्शन नंबर एक है यहाँ पर सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर एक सही नहीं है तो ये कट गया इसके अंदर ये दो भी नहीं होगा अब आगे पढ़ते हैं हाँ यह देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दिए जा रहे स्नातक प्रमाण पत्रों की गुणवत्ता को मानकीकृत करने में सहायक होगा हाँ यह ठीक है नहीं प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपनी विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर अपना पाठ्यक्रम तय करने की स्वायत्तता होनी चाहिए भी सही है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय वो अपनी आवश्यकता के आधार पर पाठ्यक्रम जारी करे तो कथन तो ये दोनों ही सही है दो और तीन तो दो और तीन इसका मतलब ऑप्शन एक के अंदर है ये कार्बन का कौन सा प्ररूप दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है दर्द का मतलब बहुत ज्यादा कठोर त्रियुम संरचना त्रियुम जाल होता है किसके अंदर ग्रेफाइट पत्थरे नीरा का तो हीरे के निम्न श्रृंखला में दुपत संख्या को ज्ञात कीजिए चार आठ उसके बाद में क्या सौ एक सौ अस्सी दो सौ चौरानवे चार सौ अड़तालीस तो ये स्क्वेंस है दोस्तों वो क्यूब में से स्क्यर को घटाई जा रही है तो देखो दो की क्यूब में से दो की स्क्यर घटाएंगे अपने तो दो की क्यूब मतलब आठ और दो की स्क्यर चार तो आठ में से चार घटाएंगे चार फिर तीन की क्यूब नौ सॉरी तीन की क्यूब सताइस और तीन की स्क्यर होगी नौ सताईस में से नौ घटाएंगे तो अट्ठारह इसी प्रकार चार की क्यूब चौंसठ और चार की क्यूब चौंसठ में से घटाएंगे चार की स्क्यर सोलह तो चौंसठ में से सोलह घटाएंगे सोश में से सोलह घटाएंगे तो अपने पास क्या होगा अड़तालीस अगला प्रश्न देखिए एक निश्चित कोट भाषा में जी ओ एल को बी पी एम एच और एम आई एन डी को ओ जे लिखा है। तो एस ओ ए को क्या लिखा जाएगा देखिए दोस्तों जी पहला जी ओ एल और बी पी एम एच में देखिए जी पहला और जी के बाद में एच एच है वो इसका बी एम पी एच का लास्ट है इसी प्रकार देखिए एम आई एन डी और ओ जे ई एन में एम पहला है और एम के आगे वाला जो एन है वो दूसरे का लास्ट है तो इसी प्रकार एस ओ ए आर तो एस के बाद में क्या आएगा टी मतलब जो आगे है उसके लास्ट में टी होगा तो उस टी किसके लास्ट में है टी खाली ऑप्शन नंबर एक के लास्ट में है इसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं अपने देखो ओ के बाद जी ओ एल में ओ के बाद में पी आया है तो आई के बाद जी आया है तो ओ के बाद में क्या आएगा फिर पी आएगा इस प्रकार ये सेट हो जाएगा। अब निम्नलिखित चित्र में वर्गों की संख्या ये देखो एक प्रकार का वर्ग है इसके अंदर अपने को बताना है इसमें वर्गों की संख्या कितनी है तो ये देखो दोस्तों एक दो तीन चार हर में चार चार के चार चार वर्गों से ये बॉक्स बने हुए हैं तो इसका जो तो सूत्र क्या होता है इसका सूत्र होता है चार की स्क्वेयर प्लस तीन की स्क्वेयर प्लस दो की स्क्र और प्लस में हो जाएगा एक की स्क्वेयर तो इन सब को जोड़ेंगे चार की स्क्यर तीन की स्क्यर दो की स्क्यर एक की स्क्यर चार की स्क्यर सोलह तीन की स्क्यर नौ सोलह और नौ हो गए पच्चीस दो की स्क्यर चार पच्चीस और चार उनतीस और एक की स्क्र होगी एक तो उनतीस और एक क्या हो जाएगा इसका राइट उत्तर तीन मतलब तीसटी नाइन प्रश्न ये निम्नलिखित तर्कों पर भी कीजिए ये जो कथन तर्क निष्कर्ष वाले प्रश्न है जो आजकल काफी एग्जाम हर एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं एक से दो प्रश्न एक आर एस बनने के लिए उसे कॉलेज से स्नातक होना चाहिए आगे क्या कह रहे हैं सभी प्रोफेसर गरीब है कुछ गणितज्ञ प्रोफेसर है कोई कॉलेज स्नातक गरीब नहीं है और ये अपने को निष्कर्ष दिए जा रहे हैं ये कह रहा है कौन सा एक वेद निष्कर्ष नहीं है का पूछा है कुछ गणितज्ञ आर एस नहीं है कुछ आर एस प्रोफेसर है आर एस गरीब नहीं है प्रोफेसर आर एस नहीं है तो इसका दोस्त अपने इस प्रकार डायग्राम बनाकर करेंगे कौन है किसके अंदर कौन नहीं है तो ये प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा इसका उत्तर है दो नंबर कुछ आर एस प्रोफेसर है सत्रवा यदि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात नौ अनुपात छोड़ा है दस वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात दो अनुपात तीन है सीमा और रीमा की आयु का अनुपात छः वर्ष पहले क्या था दोस्तों इनको एक समान कर अपने करेंगे तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार छपात तेरह प्रश्न एक, एक गांव की जनसंख्या तीन लाख साठ हजार है इसके विभिन्न व्यवसायों को निम्नलिखित पाई चार्ट में दिखाया गया है अब पाई चार्ट बताया गया है कि नौकरी एक सौ बीस परसेंट है उद्योग बेहतर परसेंट है व्यापार छत्तीस परसेंट है कृषि एक सौ साठ परसेंट परिवहन कितना चौबीस परसेंट है टोटल हो गया तीन सौ साठ नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग निम्नलिखित में से किन व्यवसायों के योग के बराबर है इस प्रश्न को हल करने के लिए अपने को सबका हिस्सा निकालना पड़ेगा और सबका हिस्सा कैसे निकालेंगे नौकरी का कैसे निकालेंगे जिससे नौकरी के नंबर एक बीस डिग्री बट्टे कुल तीन और इसको गुणा कर देंगे किससे इसको गुणा कर देंगे तीन लाख साठ हजार से फिर जो मान आएगा इसी प्रकार उद्योग का बेहतर 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 भट्टे तीन सौ साठ गुणा तीन लाख साठ हजार इस पर इन सबका ज्ञात करेंगे और उनको जोड़ेंगे फिर देखेंगे कि नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग किसके बराबर है तो वो किसके बराबर आएगा वो आएगा कृषि और व्यापार के बराबर बेतरा प्रश्न कमल एवं लक्ष्मण दो सगे भाई हैं ओम तथा प्रेम एक विवाहित दंपत्ति है नंदिनी कमल की पुत्री है लक्ष्मण प्रेम का पिता है लक्ष्मण की पत्नी चंचल है और कमल की माँ का नाम मधु है ओम लक्ष्मण का दामाद है एवं दया ओम की पुत्री है प्रेम नंदिनी की क्या लगती है ब्लड रिलेशन से प्रश्न है तो प्रेम नंदिनी की क्या लगती है इसको हल करेंगे ना तो आ जाएगा चचेरी बहन निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया एसपी बाल सुब्रमण्यम बीबी लाल सिंजोएबे रामविलास पासवान रामविलास पासवान को पद्म विभूषण दो हजार इक्कीस से सम्मानित नहीं किया गया कंपनी जो भारत में नए संसद भवन का निर्माण कर रही है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड सापुरजी जी पलनजी लिमिटेड एल एंड टी कंस्ट्रक्शन गेमोन इंडिया लिमिटेड बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और भविष्य में इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना है और आर ने पूर्व के एग्जाम में दो से तीन बार भी इस प्रश्न को पहले पूछ, पूछ लिया है इसका उत्तर होगा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड संसद भवन का निर्माण और भारतीय संसद भवन का निर्माण किसने करवाया था एडविस एडविस लुटियस ने और थर्ब बैंकर ने पंडित राजन मिश्र के बारे में कौन पंडित राधन मिश्र के बारे में कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का अपने को चुनाव करना है वे ख्याल शैली के शास्त्रीय गायक थे बिल्कुल सही है दोस्तों उन्हें वर्ष 2007 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था नहीं पद्मश्री पुरस्कार उनको वर्ष 2007 में नहीं दिया गया था तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कथन केवल एक सही है किसी मशीन के मूल्य का अवमूलन 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो रहा है मतलब 10 प्रतिशत मूल्य घट रहा है इसको तीन वर्ष पूर्व रखा गया था यदि इसका वर्तमान मूल्य आठ हजार सात सौ अड़तालीस रुपये है तो इसका क्रय मूल्य था इसका क्रय मूल्य बताना है अपने को तो देखो आठ हजार सात सौ अड़तालीस वर्तमान है तो तीन वर्ष वर्तमान मूल्य रोपने अपने को तीन वर्ष पहले का बताना है तो इसका क्या हो जाएगा आठ हजार सात सौ अड़तालीस गुणा सौ दस परसेंट कमी हो रही है बटे नब्बे तीन बार लिखेंगे तीन वर्ष है मतलब आठ हजार सात सौ अड़तालीस गुणा सो बटे नब्बे गुणा सो बटे नब्बे गुणा सो बटे नब्बे इसको करेंगे तो इसका उत्तर क्या जाएगा बारह हजार संस्थान जिसके साथ राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए गठजोड़ किया है एम एन आई टी जयपुर आई आई टी मुंबई आई आई टी दिल्ली आई आई टी मद्रास तो किसके साथ गठजोड़ किया है आईआईटी मद्रास के साथ निम्न में से किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की श्री शाह शर्मा श्री शाह बांदला श्री शाह बेंद्रे श्री साबुंदेला। बुंदेला तो श्री सा बांदला कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है म्यूकर लाइकोपोडियम पेनिसिलियम, लेप्टोस्पाइरा तो ब्लैक फंगस का कारण कौन है म्यूकर संगठन जिसने युवा एवं कोविड 19 रिपोर्ट प्रकाशित की जो नौकरियां, शिक्षा इत्यादि पर कोविड 19 के प्रभाव का परीक्षण करती है कौन है दोस्तों आईएलओ टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया तो कितने खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया दो तीन चार और पाँच तो इसमें दो ऑप्शन होगा वो पाँच अब टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान से एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो टोक्यो पैरा ओलंपिक से संबंधित है राजस्थान की अवनी लेखरा जिन्होंने क्या किया है कि 50 मीटर शूटिंग राइफल के अंदर स्वर्ण पदक जीता है सॉरी दस मीटर शूटिंग राइफल के अंदर स्वर्ण पदक जीता है और पचास मीटर शूटिंग राइफल के अंदर उन्होंने कांस्य पदक जीता है और उनका संबंध किस है राजस्थान के जयपुर से है दस प्रश्न है भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान के स्मार्ट शहरों में शीर्ष स्थान पर है उदयपुर अजमेर कोटा जयपुर तो 2021 में जो राजस्थान का स्मार्ट शहर में नंबर वन पे उदयपुर आता। था श्री नारायण राव श्री नारायण राणे को जुलाई 2021 में एम MS, एस एम एस एम ई मंत्रालय का कार्यभार दिया गया यहाँ एम एस एम ई से का थ, क्या तात्पर्य है तो एम एस एम ई से तात्पर्य मीडियम स्ट्रेजिक एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज माइक्रो स्मॉल एंड मोर्जिनाइजड एंटरप्राइजेज मीडियम स्मॉल एवं मोर्जिनाइजड इंटरप्राइजेज माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइजेज इसका राइट उत्तर हो जाएगा माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइजेज ऑप्शन नंबर चार कोवैक्सीन निर्मित होती है कोवैक्सीन सार कोव के स्पाइक प्रोटीन के अनुवांशिक पदार्थ द्वारा निष्क्रिय या मृत सार द्वारा संशोधित एम आर एन ए जो सारकोव टू के स्पाइक प्रोटीन को कोडित करता है एडिनो वायरस वायरल वाहक द्वारा तो सामान्यतः तो जो वैक्सीन है वो किससे विषाणु द्वारा बनाई जाती है और विषाणु क्या होते हैं मर्थवस्था के अंदर होते हैं और कोविड जो 19 की वैक्सीन है मतलब इसका वायरस क्या है सारकोव टू तो सारकोव टू निष्क्रिय मर्थ को टू ब्रिक्स दो हजार इक्कीस में अध्यक्षता करने वाला देश है ब्राजील भारत रूस चीन तो ब्रिक्स दो हजार इक्कीस की अध्यक्षता किसने की थी भारत ने वर्ष दो हजार इक्कीस का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल किसने जीता रोजर फेडरर राफेल नडाल, नवाक जोकोविच स्टाफिनो स्टी पापिस तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा नवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन है विमंडन ओपन है ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये जो टेनिस की प्रतियोगिता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इनसे संबंधित एग्जाम हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आगे भी पूछा जाएगा यह प्रश्न कविता देवी रितु चौहान भवानी देवी राधिका प्रकाश तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा भवानी देवी ओलंपिक 2020 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते थे सात पदक जीते थे एक चार और और इसके अंदर क्या हुआ आगे अठासी प्रश्न 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की सूची में किन स्वास्थ्य जटिलताओं को जोड़ा गया है तो कोविड 19 का उपचार हिमोडायलिसिस कोविड 19 का उपचार प्रोलेपस यू, यूटेरस कोविड 19 का उपचार नोटोकोनोमी न्यूमो, न्यूमो, और चौथा है पीमोट्रेक्सडिस्टूलैक्टोनोमी तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नम, नंबर एक कोविड 19 का उपचार हेमोडायलिस अब राजस्थान के जिक्के से संबंधित आ गए प्रश्न अनिवासी दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ है आमेर नरेना मंडोर करौली तो दादू पंथ ही कहाँ है नरेना के अंदर दादू पंथी हमें साया विवाहित रहते हैं और इन्होंने क्या किया था इन इनके जो सव को क्या पशु पक्षियों को खिलाते हैं इनका सब जंगल में कहीं पेड़ के नीचे लटका देते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे विजय सिंह पथिक केसरी सिंह जमुना लाल बजाज अर्जुन लाल सेठी बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे विजय सिंह पथिक जिनका मूल नाम क्या था भूप सिंह स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया दयानंद सरस्वती एम एन रॉय गोपाल कृष्ण गोखले स्वामी विवेकानंद तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दे, नंद सरस्वती ने किया था गिदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है मेवाड़ आरोपी बागड़ शेखावाटी तो शेखावाटी का गिदड़ नृत्य अपने को पता है बहुत प्रसिद्ध है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्लखी में से किसने करवाया था अधीनस्थ बोर्ड ने भी इस प्रश्न को पूछा है आरपीएससी भी, आर भी दो से तीन बार इस प्रश्न को पहले ही पूछ चुकी है नेमिनाथ विमल सा आदिनाथ भीमसाह तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो हिमल शाह जो भी शाह है इनकी सर्वाधिक मोटी और भारी मूर्ति है तेलवाड़ा के के जैन मंदिर अंदर कन्नड़ देव प्रबंध नामक काव्य का, का लेखक कौन है पद्मनाथ वीरबाण भट जगजीवन राम पंडित जीवाधर तो कन्नड़ दे प्रबंध पद्मनाथ चौरासी खंभों की छतरी इसको मुंशी महाराणी की छतरी भी कहते हैं कहा है बुंदी निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है कुंभलगढ़ नारगढ़ रणथम्बो और तो गागरोण और भैंस रोडगढ़ दो ही दुर्ग है जो राजस्थान में जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं रणथम्बो और स्वाईमाधोपुर कुंभलगढ़ राजसमंद केंद्र है जिसका नाम महाराणा कुमार निर्माण करवाया था नारगढ़ जयपुर में बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया रानी जी की बावड़ी का निर्माण रानी पद्म पद्मनी रानी नाथावती रानी विज्ञा देवी रानी गायत्री रानी नाथा देवी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बाद अकबर द्वारा व्यवस्था दिए गए गाँव की संख्या है बहुत ही बढ़िया प्रश्न नया प्रश्न है नौ बारह पंद्रह अठारह 18 गांव दिए थे तिवारा कर वसूला जाता था औद्योगिक उत्पादों पर दूसरे राज्यों से व्यापार पर दिवाली और होली जैसे पर्वों पर कृषि उत्पादों पर तो तिवारा कर है दिवाली और होली जैसे पर्वों पर वसूला जाता था द्वारा का मूल नाम क्या था बनेडा कानेडा सियाड़ बेदला तो प्राचीन काल में ना द्वारा को सियाड़ नाम से जाना जाता था तो दोस्तों ये हमने जो सौ प्रश्न है वो डिस्कस किए हैं अगर दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा इसी तरह मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया प्रश्नों का समावेश लाता रहूँगा धन्यवाद